अगर आप अपने YouTube वीडियोस को प्राइवेट रखना चाहते हैं या कोई भी वीडियो जो ऑलरेडी पब्लिक है उसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी न्यू वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आपने क्रिएटर स्टूडियो में आ जाना है, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखिए क्रिएटर स्टूडियो, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको क्रिएटर स्टूडियो में ले जाएगा। वहाँ से आपने अपनी वीडियोज़ में चले जाना है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं अगर आप पुराने वाला क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पुराने वाले क्रिएटर स्टूडियो में आ जाते हैं और यहाँ पे वीडियो मैनेजर पे आपने क्लिक करना है, ये आपको वीडियोज़ में ले जाएगा और वहाँ पे आप अपनी कोई भी जो आपकी वीडियो है, जैसा कि ये देखिए ये अभी पब्लिक में है, इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये पब्लिक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, इधर से एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको प्राइवेट कर देना है, ये देखिए प्राइवेट। सो इसको प्राइवेट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और अभी ये वीडियो आपकी प्राइवेट हो जाएगी, जिसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं और ये किसी को भी शो नहीं होगी। सो अभी ये हो रहा है, इसमें ये देखिए इस पे लॉक का भी ऑप्शन शो हो गया है, पहले ये इस तरह का आइकॉन था, अभी लॉक शो करवा रहा है, इसका मतलब है ये प्राइवेट हो गई है। इसके बाद जब आप अपलोड करते हैं उसी वक्त आप इसको सेट कर सकते हैं प्राइवेट पे। सो ये अपलोड का बटन है हमारा, इस पे क्लिक कीजिए अपलोड वीडियो और अपलोड के टाइम पे ही आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने कोई भी जो फाइल है वो अपलोड कर लेनी है, यहाँ से मैं कोई भी वीडियो जो है इधर अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। सो ये मेरा चैनल का इंट्रो है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और यहाँ पे आपने जब विजिबिलिटी में आना है लास्ट में, ये सब कुछ करके नेक्स्ट, ये पूरी सेटिंग करने के बाद जब आप विजिबिलिटी में आएंगे, ये देखिए पब्लिश नो पे है, पब्लिश नो में हमने इसको प्राइवेट पे क्लिक कर देना, ये पब्लिक है, ये अनलिस्टेड है, ये प्राइवेट है। अभी अनलिस्टेड क्या है, इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा आपको, जैसा कि ये देखिए ये वीडियो लिंक है, तो ये वीडियो भी प्राइवेट ही रहेगी, बट आप इसका लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, वो ये वीडियो देख सकता है जिसके पास लिंक होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो फिर सिर्फ आप ही इसको देख सकते हैं। सो ये था प्राइवेट का, कि आप अपनी वीडियो को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं, चाहे वो अपलोड हो गई हो या आपने अपलोड करनी हो तो उसको आप प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हुआ तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।